बैठो बाबू बैठो। मैडम सर, ये है जीजाओं के जीजा रंजीत जीजा जी के जीजा जी परितोष जीजा जी। हाँ, हमने यहाँ आपको मदद के लिए बुलाया है। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं मैडम? देखिए, अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। उससे पहले लेकिन आप एक बात बताइए, अगर आपके सामने दो बातें रखी जाए, एक जो सच है और एक जो कोई अपना है, तो आप किसे चुनेंगे? जो गलत होगा वो अपना कैसे होगा मैडम? एक सही और सच्चा आदमी हमेशा सही का ही साथ देगा ना, चाहे कोई भी हो। और अगर आपके सामने आपके साले साहब रंजीत हो तो? मुझे काम याद आ गया। बैठो बैठो। गजब पिलपिला दिल वाले इंसान है यार ना, मतलब विलेन का नाम सुनते ही उखड़ गए। अरे पूरा बात तो सुन लीजिए मैडम सर क्या कह रही हैं। सुनना क्या है, हमको अच्छे से पता है मैडम क्या चाहती है। पूरा लखनऊ शहर जानता है आपके केस सॉल्व करने के तरीके के बारे में। आप लोग हमारे जरिए उस रंजीत को रास्ते पे लाना चाहती है। जीजा साली के डिबेट के बाद पूरा शहर जानता है कि रंजीत और इस थाने के बीच में क्या खींचातानी चल रही है। मैं जानता हूं कि आप उस बेचारी आलिया को रंजीत के जीजागिरी से छुटकारा दिलाना चाहती हैं। अच्छा, तो मतलब आप जानते हैं कि रंजीत जो अपनी साली के साथ कर रहे हैं वो गलत है? हाँ जी, बिल्कुल गलत है। मेरे हिसाब से साली आधी घरवाली नहीं बल्कि पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए एक जीजा के लिए। मजाक वही अच्छा लगता है जो दो लोग मिलकर इंजॉय करें। एक तरफ से किया हुआ मजाक बिल्कुल बदतमीजी कहलाती है, और ये बात दुनिया के सभी जीजाओं को अच्छे से समझ लेना चाहिए। वाह मिस्टर परितोष, एक बात बताइए, आप यहाँ बैठकर इतनी समझदारी की और सुलझी हुई बातें कर रहे हैं, तो फिर हमारी मदद करने से इतना कतरा क्यों रहे? क्योंकि वो रंजीत है मैडम, एक नंबर का बदतमीज अड़ियल और मुंह फट किस्म का इंसान है वो। कहने को तो मैं उसका जीजा हूँ लेकिन वो सारा काम मुझसे ही करवाता रहता है। जीजा जी ये कर लो प्लीज, जीजा जी वो कर लो प्लीज, जीजा जी गाड़ी साफ कर दो प्लीज, जीजा जी सर की मालिश कर दो प्लीज, प्लीज प्लीज करके उसने रिश्तों का ही पीस पीस कर डाला है। इसीलिए गुस्से में आकर ना एक दिन मैंने उसको उल्टा लटका कर इतना मारा कि सारी होशियारी निकल गई। मत बढ़िया, राजपाल यादव वाला फेस लेके अल्लू अर्जुन का डायलॉग कैसे मार दिया संतोष जी? ये तो बहुत बढ़िया बात की आपने। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मेरी नींद खुल गई और सपना टूट गया। अब सपने में इतना तो कर ही सकता हूँ ना मैं। देखिए, एक बात बताइए, अगर हम आपसे ये वादा करते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए, हम जैसा कहते हैं वैसा करिए, तो उसके बाद ये जो आपके रंजीत साले साहब हैं आपके साथ बिल्कुल तमीज से पेश आएंगे और सभ्य साले की तरह बिहेव करेंगे, तो आप क्या कहेंगे? ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है? अरे बिल्कुल हो सकता है। अरे काहे नहीं हो सकता है संत जी, काहे नहीं हो सकता है? आप जानिए आप कौन है, आप जीजा हैं भाई, जीजा। और जीजा कौन होता है? जीजा परिवार का होल सोल करता धरता मुखिया, हेड ऑफ द फैमिली होता है। जीजा अगर चाह दे ना तो उसके परमिशन के बगैर ससुराल वाला सांस ना ले सके, उसके परमिशन के बगैर ससुराल वाला पानी तक ना गर्म करे सब, समझे? ऐसा होता है जीजा। आप जीजा है ना उनके, उनका कर्तव्य है, उनका धर्म है कि वो आपकी सेवा करे। बोलिए मैडम क्या करना है? अरे वो सीमेंट वा पहुंचा कि नहीं साइट पे? तो पहुंचाओ सीमेंट, भ्रष्ट कर देंगे दिमाग ये लोग। जाओ थोड़ा कमाल दिखाओ अपना, जाओ 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 जाओ। अम्मा ये क्या बॉडी लैंग्वेज बनाया हुआ तुमने बे, ये कोई बॉडी लैंग्वेज होता है? बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा सा आत्मविश्वास लाओ। तुम अपने साले के सामने नहीं सोचो, मालिश वाले के सामने खड़े, थोड़ा कड़क एकदम सीना चौड़ा कर दो। तुम करो सीना चौड़ा करो, एकदम ऐसा। अब एकदम कड़क आवाज में बोलो कि अम्मा ओ, तुम्हारे सामने तुम्हारा जीजा खड़ा है और तुम बैठे हो, जीजे का यही सम्मान है तुम्हारे नजरों में, बोलो। अरे जीजा जी, अभी आपको याद कर रहे थे। अरे भैया कुर्सी लाइए यार, जीजा जी आए हमारे। बदतमीज,
जीजा जी तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम बैठे हुए हो। अम्मा उसको बोलो जीजा तुम्हारे सामने खड़ा है, खड़े होके बात कर। खड़े होके बात करो अपने जीजा से। खड़े हो जाओ, आओ इधर, आओ इधर। पैर में बहुत दर्द है साले साहब, दबाओ। अरे दबाओ। अम्मा ऐसा क्या मेंढक जैसा बड़ी बड़ी आंख से देख रहा है, दबाओ पैर। ये मेंढक जैसी बड़ी बड़ी आंखें करके क्या देख रहे हो, आगे पैर दबाओ। अरे पैर दबाओ। सब देख रहे हैं। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो, हंस रहे हो, अपना अपना काम करो जाके। जीजा है हमारे। अम्मा ये क्या कह रहे हैं जीजा जी, ये सबके सामने आप ऐसे बोल रहे हो, डांटे जा रहे हैं, अब क्या हो गया है आपको? तुम साले नहीं हो हमारे, तुम्हारा धर्म नहीं हमारी सेवा करना है? वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। अब मेरा मतलब है तुम मेरा पैर ऐसे दबाओ कि मैं ये बोलूं वाह क्या बात है, अब दबाओ। जीजा जी वो सबके सामने इज्जत का फलूदा बना रहे हैं आप, वो गाड़ी में चल के थोड़ा दबा लेंगे आपका पैर। ठीक रहेगा। अम्मा टोपाओ का सामने दबाओ, बोलो यही दबाओ। नहीं सबके सामने दबाओ, यही दबाओ, इसमें शर्म कैसी, तुम साले नहीं हो हमारे, सब साले करते हैं, तुम भी करो। अरे तुम लोग यही मारोगे क्या, काम करो अपना उधर जाके। तुम काम करो यहाँ आकर, पैर दबाओ। अरे दबाओ। अब इसे समझ में आएगा इज्जत और बेइज्जती में फर्क। दबाते रहो। अरे जोर से दबाओ। दबा रहे ना, दबाओ। वाह बहुत बढ़िया। जीजा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, पड़ोसी के साथ पार्किंग को लेकर थोड़ी सी बहस हो गई थी, इसी चक्कर में मुझे आना पड़ा। अब मैंने सोचा तुम्हें भी यहाँ बुला लूं। क्या हुआ, ये बटेर जैसी शक्ल बना के क्या देख रहे हो, तुमको यहाँ बुला नहीं सकता क्या मैं? हाँ बिल्कुल आप बुला सकते हैं जिया जी। अरे साले हैं आपके, सारा थाना हिला देंगे, आप पे आंच नहीं आने देंगे, बता रहे हैं। बस एक ही फोन घुमाएंगे, सारा आपका मामला रफा दफा कर देंगे बस। अरे इस काम के लिए नहीं बुलाएं साले साहब आपको, तब ये काम तो हम खुद भी कर लेते। तुमको तो मैं अपना हाथ पैर दबाने के लिए बुलाया हूँ, वो कहा है कि सिग्नेचर करते करते हाथ बहुत दुख रहा है, चलो दबाओ। जीजा जी सबके सामने, सारी लेडीज के सामने आप हमें बोल रहे हैं, ये सही नहीं है। सही है, और वैसे भी मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता, और थाने में जीजा की सेवा करना अपराध है क्या? चलो हाथ दबाओ। बहुत हो गया जीजा जी, हर बात की एक सीमा होती है। अरे साले हैं हम आपके, नौकर नहीं है जो हर बार हर वक्त सबके सामने मुझे जलील करते रहते हो। अरे समाज में इज्जत है हमारी, बिजनेसमैन का रुतबा है हमारा, इज्जत करते हैं लोग। अरे हम साले हैं तो क्या आपको मनमर्जी करने का अधिकार मिल गया, और वो भी हमसे बिना पूछे कि हमको अच्छा लग रहा है बुरा? आपने आलिया से पूछा था कि आपका मजाक उसे अच्छा लग रहा है या बुरा? जो चीज आपसे बर्दाश्त भी नहीं होती, वही चीज अगर आलिया के मामले में हो तो बेमतलब हो जाती है, क्यों? देखिए मैडम, उस बात का इस बात से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ बात हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट की है। वाह क्या बात है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, लेकिन आलिया का सेल्फ रिस्पेक्ट उसके नखरे। ये इस वक्त ये जो ह्यूमिलिएशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, जो बेइज्जती आपको इस वक्त महसूस हो रही है ना,
ये हर बार आलिया को महसूस होती है जब आप उसके साथ बेहूदगी वाला मजाक करते हैं। जब आप इस बात का ख्याल भी नहीं रखते कि ये मजाक उसे अच्छा लग भी रहा है या नहीं। सोचिए रोज उस पर क्या बीतती होगी। बहुत खराब लगता है जीजाजी, जब आपकी मर्जी के खिलाफ आपके साथ कोई मजाक करता है। बहुत खराब लगता है जब आप किसी इंसान की इतनी रिस्पेक्ट करते हो और वही इंसान आपके साथ ओछा स्टूपिड सा मजाक करता है। जीजाजी लड़की कोई भी हो सेंस ऑफ ह्यूमर पसंद करती है, बेमतलब का ये छेड़छाड़ नहीं। लेकिन आप जैसे टिपिकल जीजाजी ये बात समझना ही नहीं चाहते। नहीं नहीं आलिया जी, हम समझ गए, हम अच्छी तरह समझ गए कि जिन रिश्तों में सम्मान नहीं होता उन रिश्तों में कोई मतलब नहीं होता। भी देखिए हसीना जी ने पहले कहा था कि जीजाजी पिता समान क्यों नहीं हो सकते, ठीक ही कहा था उन्होंने। अब बड़े हैं लेकिन भूल तो हो गई, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन आइंदा इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमारे किसी भी बर्ताव से आपको वो जीजागिरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। माफ कर दो यार। नहीं जीजाजी अब माफी मत मांगिए, बस अब बेस्ट फ्रेंड का मतलब समझिए और बिल्कुल वैसा ही बिहेव कीजिए। और मुझे पता है आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बस आप ना एक आइडियल जीजाजी बने, टिपिकल जीजाजी नहीं। मिस्टर रंजीत तजुर्बा कहता है हमारा, वो कहते हैं रिश्ते नशा बन जाते हैं, कोई कहता है रिश्ते सजा बन जाते हैं, लेकिन हर रिश्ते को दिल से निभाया जाए तो वही रिश्ते जीने की वजह बन जाते हैं। वाह क्या खूब कही मैडम। वैसे एक बात कहूं दिल से, अक्सर सुना है इस थाने के बारे में, यहाँ पर ऐसी जादू की छड़ी जरूर है जिसे घुमाकर भटके हुए राही को उसका सही रास्ता दिखाया जाता है। आज मैंने वो छड़ी देख ली और महसूस भी कर ली, इस भटके हुए को अपना सही रास्ता मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और आप सभी के लिए इतना तो बनता है। क्या कर रहे हो चीते? मैडम सर की चिट्ठियां हैं, तुम क्यों खोल के पढ़ रहे हो? आने दो मैडम सर को, हम सब बताएंगे उनको। गजब पुष्पा जी, गजब कर रही हैं आप। अरे मैडम सर हमको खुद ही बोली है कि सरकारी कार्यालय से जितना भी कागज आए सब पढ़ लो और जो जरूरी होगा वो हमको दे दो। अब तो मतलब हम पर। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, करो करो। क्या लिखा हुआ है? इफ यू कंसीव गुड थॉट्स रिसीव बैड थॉट्स परसीव गुड लाइफ यू विल रिसीव ऑल गुड यू ऑल गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स। पुष्पा जी इधर रही। जो श्री नहीं थे देखिए क्या है, जो बचपन में स्कूल के ब्लैकबोर्ड पर नहीं लिखा रहता था कि आज का सुविचार, और उस पर थॉट लिखा रहता था। हमको लग रहा है कार्यालय वाला लोग ना मैडम सर को यही सब भेज रहा है। लेकिन पुष्पा जी कंसीव का मतलब क्या होता है? कंसीव कंसीव का मतलब क्या रे? कैसे तुमको पुलिस में भर्ती किया? इंग्लिश तुम्हारा ना वीक है। सीख मुझसे इंग्लिश स्पीक ना कैसे होता है। एक मिनट, तुमको तो यहाँ से लात मार के बाहर निकाल दिए थे ना हम लोग। माँ का टिफिन लेके भागा था मैं डीएसपी सर के ऑफिस में, डिब्बा खोला तो राजमा चावल। डीएसपी सर राजमा चावल देखकर उनकी जीप ऐसी
लपलपाई। जैसे वो राजमा चावल के लिए झपटे, मैंने राजमा चावल जमीन पे गिरा दी। फिर क्या? ग्लोबल वार्मिंग। कौन? माथा गरम हो गया उनका, डीएसपी सर का। कांस्टेबल को बुलाया, उसके हाथ में डंडा, वो डंडा मेरे पिछवाड़े पड़ा। डीएसपी सर ने कांस्टेबल को ऑर्डर दिया कि इस बिल्लू को कारावास में डाल दो। तब मैंने रिक्वेस्ट किया, डीएसपी सर, कारावास हजरतगंज का हो या महिला पुलिस थाना का हो, कारावास तो कारावास होता है, सेम टू सेम, सेम पिंच। तो मुझे यहाँ डाल दिया, लेकिन एक शर्त पर। बोले, अगली टाइम राजमा चावल लाए तो जमीन पर मत गिराना। नानायक, हमारा टिफिन चुराया था तुमने। माँ, उसी के वजह से मैं यहाँ हूँ माँ। बरखुरदार, तुम्हारे जो वर्ड्स की जो दुविधा है, हाँ, वो हम सुलझा सकते हैं, समझे? कहे कि हम पढ़े लिखे हैं। कहाँ तक पढ़ा लिखा है तुम? बोल बोल। हम कहाँ पढ़े इकबाल? कहाँ? तुम दरभंगा बिहार नमाजम उत्तर प्रदेश। तुम चाय बेचने के लायक और तुम बिरयानी बेचने के लायक ही हुए। Conceive means गर्भवती। Conceive का मतलब अगर गर्भवती होता है। एक मिनट पुष्पा जी, तो सही लिखा है conceive मतलब गर्भवती होना, गुड मतलब अच्छा और थॉट मतलब विचार। कंसीव गुड थॉट का मतलब अच्छे विचारों के साथ गर्भवती होना। ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छे विचार रहेंगे तो गर्भवती कैसे होंगे? रे 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 भंजर कुआं, सवाल ये है कि यहाँ पर गर्भवती कौन है? हाँ, टिंपल भाभी। नहीं, हाँ। तुमको कैसे पता है? कैसे? नवाब साहब, कुछ भी बकैती किए जाए। क्या नवाब साहब, क्या नवाब साहब, ऐसा कुछ नहीं नवाब। जय मैडम। जय। का देख रहे हैं सब? बिल्ले नहीं लगा मन, वापस आ गए? नहीं नहीं, माँ का टिफिन लेकर मैं वहां गया। हम बता देंगे। हम मैडम, मुबारक हो आपको। किस बात का बधाई? इस पुलिस डिपार्टमेंट को एक नया पुलिस कमिश्नर देने के लिए। का? आपका बच्चा है, कमिश्नर से कम थोड़ी होगा ना। ऐसे कैसे, प्रधानमंत्री भी तो बन सकता है ना। या बन सकती है। भविष्य किसने देखा है मैडम? एक मिनट, सबका दिमाग एक साथ आउट हो गया है। का क्या बच्चा, किसका बच्चा, क्या बात कर रहे हैं आप सब? हाँ, समझाएंगा कोई हमें? मैडम, ये बच्चा वाला बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। मैडम, ये ना सरकारी कार्यालय से बधाई पत्र आया है, जिसमें आपको माँ बनने की खुशी में कॉन्ग्रेचुलेशन बधाई दिया है सब। हालांकि ये जो चिट्ठी है ना, ये तो आया मैडम सर के लिए है, लेकिन अब मैडम सर तो माँ बन नहीं सकती, इसलिए आपको बधाई हो मैडम। हे शिवजी, हे शिवजी, अब गर्भवती है। हाँ, गर्भवती है, मतलब आप माँ बनने वाले, हमारा लल्ला बाप बनने वाला है और हम दादी बनने वाले हैं। बिल्लू बिल्लू बिल्लू, पूरे लखनऊ को मिठाई खिलाओ, घी के दिए चलाओ, लल्ला के पप्पा। सुन रहे हो? ऐसे समय में ऐसे खड़े नहीं रहते। एक मिनट पुष्पा जी, अपने ये खुशी के सुनामी को थोड़ा सा रोक लगाइए। कौन गर्भवती, किसका बच्चा, क्या चल रहा है, ये हम नहीं है गर्भवती। हम गर्भवती हैं और हमें ही नहीं पता कि हम गर्भवती हो। अरे ऐसा होता है, कभी कभी पता नहीं चलता। कौन सा लेटर है, क्या लिखा है? मैडम, हम बता रहे हैं। मैडम, बात क्या है ना कि यहाँ पे दो ही लोग शादीशुदा हैं, एक पुष्पा जी का आप, तो पुष्पा जी तो बच्ची तो आप ही ना, तो बधाई कबूल कीजिए ना। बैठ के बातें करते हैं, ऐसे समय पैसे खड़े नहीं रहते। हम तुमको बताते हैं कि जब कुंडली के ग्रह बदल जाते हैं ना, तो क्या क्या कांड होते हैं। अभी ग्रहों को घुमा के ना हम कैसे एक जगह पे रखते हैं, तुम सब देखोगे। तीनों में से किसको लगता है कि हम गर्भवती है, वो आगे आ जाए। सीधे सीधे ना नहीं बोल सकती थी, जॉ लाइन टूट गई। चलो ये लो मोबाइल लो। अरे चोर भी लौटे। संतोष जी। जय हिंद मालूम। जय हिंद।
बिल्लू जी आप कब आए? हाँ, माँ का टिफिन लेके। संतु जी आप आ गई। संतु जी आप दो मिनट पहले आई होती ना, बहुत मजा आ रहा था। बहुत मजा आ रहा था। लेटर दो संतु। हाँ, ये लेटर पढ़ो, समझाओ इसमें क्या लिखा। ओहो, फिर से किसी मनचले ने पुष्पा जी को लेटर भेजा है? कुछ भी बकैती किए जा रही हो। पहला लाइन पढ़ो और बताओ क्या लिखा है, समझाओ। कंसीव गुड थॉट्स, मतलब अपने अंदर अच्छे विचार लाओ। हाँ, सुन लिया? अपने अंदर अच्छे विचार लाओ। गर्भवती होना मैडम, हमको एक कंप्लेंट लिखवाना है। किसके खिलाफ? किसके खिलाफ नहीं मैडम, ये पूछो किसके लिए। किस लिए? हमारा पूरा कंट्री के लिए।